দিন মনে মনে ঘরের কোণে স্বামীর পীড়িতে রাগ গোপনে কিছুদিন মনে মনে ঘরের কোণে স্বামীর পীড়িত রাগ গোপনে। यानी कि कवि कहता है कि हे राधा रानी, अपने जिस प्रीतम श्याम के प्रेम को तुम अपने मन के कोने में दबा कर बैठी हो ना, लेट इट बी अ सीक्रेट, ज़्यादा किसी से बात मत करो इसके बारे में। अब अपने प्रीतम श्याम के लिए ये प्रेम भक्तों में भी हो सकता है, राधा रानी में भी हो सकता है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फीवर फोक प्रोजेक्ट। मैं पीयूष हूँ और आज हम जिस फोक फॉर्म की बात करने वाले हैं, The songs of that particular folk form are listed under UNESCO's Intangible Cultural Heritage of Humanity. यानी आज हम वेस्ट बंगाल के बाउल की बात करेंगे। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के रूरल एरियाज में आत्मा की आवाज़ को एक तारे के सहारे स्पिरिचुअलिटी की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले इस फोक फॉर्म की हिस्ट्री हजार साल पुरानी है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये फोक फॉर्म वेस्ट बंगाल की बाउल कम्युनिटी का वे ऑफ लाइफ है, यानी कि जीने का तरीका। बाउल कम्युनिटी के लोग अपने नाम के साथ बाउल जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं पार्वती, तो आप खुद को कहेंगे पार्वती बाउल। आप सुकुमार हैं तो कहेंगे बाउल सुकुमार। जैसे कि अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं हूं बाउल पीयूष या पीयूष बाउल। अच्छा, बाउल शब्द का जब हम मीनिंग ढूंढने निकले तो जानकर हैरान रह गए। इसका मतलब होता है पागल। जी हाँ, पागल। ये शब्द अगर आप सिविल सोसाइटी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीपल विल स्कूल यू फॉर दिस। पर बाउल अपने अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल और रिलीजन के प्रति अपनी सिंप्लिसिटी येट यूनिक पर्सपेक्टिव के लिए जाने जाते हैं। बाउल गीतों की असली खूबसूरती इस कम्युनिटी के फ्री स्पिरिटेड नेचर की वजह से है। ये सोसाइटी के बनाए नियम कायदों में खुद को नहीं बांधते। वी हैव हर्ड द फ्रेज अ ह्यूमन बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। बाउल पीपल एक्चुअली बिलीव इन इट। उनके लिए ह्यूमन बॉडी ही वो टेम्पल है जहां ईश्वर वास करते हैं, और ये मानव शरीर ही परमात्मा तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। तो लाइफ को सेलिब्रेट करके ईश्वर तक पहुंचने का इनका अपना अनूठा रास्ता है। ये एक तरह का मेडिटेशन भी है। अमर मोनेर मानुषेरो शाने। बाउल अपने गीतों के जरिए अपने विचार, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। यूनिक बात यह है कि ये गीत खुद ही रचते हैं और गाते हैं। और अगर गौर से सुना जाए तो इन गीतों के शब्दों में एक रहस्य, एक सीक्रेट छुपा हुआ है जो थोड़ा डीप है। अगर आप इसके गहरे अर्थ को समझ गए तो समझ लीजिए आपने लाइफ समझ ली। बाकी म्यूजिक फॉर्म्स की तरह इनके भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नॉर्मली एक तारा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा दो तारा, घुंघरू, नूपुर, ये चीजें भी यूज होती हैं। माना जाता है कि बाउल संत और फिलोसोफर लालोन शाह या लालोन फकीर बाउल गीतों के राइटर थे। कास्ट, क्रीड और रिलीजन से एकदम परे। कहा जाता है कि उनकी सोच तो आज से भी कहीं ज्यादा प्रोग्रेसिव थी। एक बार किसी ने लालन से पूछा कि लालन, इस दुनिया में तुम्हारा धर्म क्या है? तो लालन ने जवाब दिया, ये धर्म दिखता कैसा है? मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग ऐसे पूजा करते हैं, कुछ लोग वैसे, और इस तरीके से बढ़ जाते हैं। लेकिन हम बढ़ते नहीं, बांटते नहीं, जोड़ते हैं। लालन शाह फकीर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और बांग्लादेश के नेशनल पोएट काजी नसरुल इस्लाम जैसी हस्तियों के इंस्पिरेशन थे। जिंदगी अपने गीतों के जरिए जीने वाले बाउल कम्युनिटी के लोग अपने गीतों को लिखते नहीं हैं, ये वर्बली ही एक दूसरे से सुनकर सीखते हैं और गाते हैं। आगे चलकर लालन शाह के शिष्यों ने इनके गीतों को लिखना और इकट्ठा करना शुरू किया। जिंदगी के सच को रहस्यमय ढंग से संगीत के जरिए एक्सप्रेस करना बाउल फोक गीतों का आधार है। आज भी बंगाल के, इनफैक्ट हिंदुस्तान के लोक गीतों में अपने संगीत और साहित्य से एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता रहा है बाउल। और हमारे कल्चर को एनरिच करने में बाउल फोक फॉर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है।
तो ये था आज का द फीवर फोक प्रोजेक्ट का एपिसोड, जिसमें हमने बात की वेस्ट बंगाल के बाउल की। अगर आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा है या कम भी अच्छा लगा तभी चलेगा, लेकिन हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने आसपास वालों तक पहुंचाइए। एवरीबडी हु लव्स म्यूजिक शुड हियर ऑल डिफरेंट फोक फॉर्म्स ऑफ इंडिया। अगले हफ्ते एक और एपिसोड लेकर के अपन आएंगे, जहां पर हिंदुस्तान के एक और प्रांत, एक और कोने से एक और फोक फॉर्म की बात करने वाले हैं। हाँ, अगर आप मुझे अपना कोई भी सजेशन, ओपिनियन, एडवाइस देना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर आकर बता सकते हैं, @RJPiyushSingh नाम से मैं पाया जाता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अलविदा।